मैंने तो बोला था आप बस सैंडविच खा ले, पर तुझे ही खाने थे राजमा चावल। पता है ना राजमा छोले चावल वाली साइड कितनी रश होती है कैंटीन में, बच्चे चढ़ रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर। ये बर्गर कुछ भी नहीं है मेरे राजमा चावल के सामने, और भीड़ का क्या है, छोटी हाइट के फायदे। मैं तो चुपचाप बच्चों के नीचे से निकल के आगे जाके खड़ी हो जाती हूँ और दो प्लेट ले लेती हूँ, एक हाथ में राजमा चावल एक हाथ में छोले चावल। दिख तो नहीं रहे, ग्राउंड भी कोई खेलने की जगह है। इतनी खुशी खुशी आ रही थी मैं अपनी दोनों प्लेट लेकर, फुटबॉल आकर सीधा लगी है मुझे, दोनों प्लेट गिर गई हाथ से, एक चम्मच तक नसीब नहीं हुई। कौन खेल रहा था, 11 क्लास वाले भैया? हाँ विपुल भैया, सॉरी भी नहीं बोला है उन्होंने मुझे और ऐसे ही चले गए हैं। वो ऐसे ही हैं, अरे उनके बारे में तो पूरे स्कूल में बातें हैं, उन्होंने ना एक गर्ल को किस कर दिया था ग्राउंड में। किस? फिर तो वो सस्पेंड हो गए होंगे। अरे उनको तो जेल भी हो गई थी, सबको पता है। यार अपना बर्गर दे देना। क्यों, मेरा बर्गर तो अच्छा नहीं है ना? तूने अपना लंच भी खाया है, शेयर नहीं करा सकती अपना बर्गर? कितना खाएगी हपची कहीं की? ले भूखी कहीं की, एक बाइट लेके वापस दे, फिर ग्राउंड में चलेंगे खेलने। ठीक है चल। यार नहीं, वो मुझे फिर से बॉल मारेंगे।